यीशु के नाम की महिमा हो। योवना रचित सुसमाचार 4:39-45 तक वचन पढ़ेंगे और हम मनन करेंगे। उस नहर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वो वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वो गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। इस वचन से आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन आंखों में चमक लाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ सामरिय स्त्री के बारे में लिखा है, वो यीशु मसीह के बारे में गांव में जाकर गवाही देती है। तो उस गवाही में उन लोग विश्वास करते हुए वो लोग यीशु मसीह के पास आए हैं। वो क्या बोलती है, वहाँ एक मनुष्य आया, वो मेरे पास बात किया, वो मैंने मेरे जीवन में जो कुछ किया सब कुछ वो बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है क्या, ऐसे करके वो बोली थी। तुरंत वहां के लोग गांव से निकलकर यीशु मसीह के पास आए। आई इतना नहीं है, वो यीशु मसीह के पास विनती भी किया, आप यहाँ रुकना, हमारे यहाँ रह करके उन लोग विनती किया। तो यीशु मसीह उन लोगों की बातों को सुन के वहाँ 2 दिन रहा। तो यही है, हम वचन में देखते हैं, जो कोई भी यीशु मसीह के लिए अपने दिल की दरवाजा को, अपने हृदय को खोलता है, यीशु मसीह उन लोगों के अंदर आकर भोजन करते हैं। तो यही यहाँ हो रहा है, वो लोग गांव के अंदर बुला लिया, इसका मतलब अपने जीवन में यीशु मसीह को बुला लिया, क्यों जो वो औरत बोली है उसके ऊपर वो लोग विश्वास किया। उसके बाद हम देखते हैं उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। किसके वचन के कारण, यहाँ लिखा है 2 दिन यीशु मसीह वहां रहा तो उन लोगों के लिए उपदेश देने लगा, उन लोगों के लिए वचन बताने लगा। 2 दिन वहां बैठकर वो लोग वचन सुनने लगा, सुनते 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 सबकी आंख खुल गया, सबके आंख में चमक आ गया, वो लोग जान लिया है यही है मसीह करके। तभी वो लोग उनसे बोल रहे हैं, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। देखिए, दे परमेश्वर के वचन आंखों में चमक लाते हैं, मतलब यही है उसका आंख का अंधकार दूर हो गया, वो जान लिए हैं यही है सचमुच जगत का उद्धार करता करके वो लोग जान लिया। उनका आंख में जो भी अंधकार था वो दूर हो गया, चमक आ गया, रोशनी आ गया, तो उनके जीवन में उद्धार मिल गया, उनका जीवन बच गया। जो वो लोग आत्मा में मरे थे वो लोग जिंदा हो गए हैं। यही है परमेश्वर का वचन, वो जीवनदायक है, सुनने से विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर का वचन आंख में चमक लाता है, मतलब आंख सही रीति से जानता है, देखता है, समझता है, तो वो आंख बहुत एक जरूरी है। यहाँ देखिए, वो पहले वो औरत बोलती है, ऐसे गवाही देती है, वो मैंने जो भी किया उसने सब कुछ बता दिया, क्या ये मसीह नहीं है क्या, ऐसे करके एक संदेह से बोली थी। लेकिन ये लोग बोलते हैं, तुम्हारा शब्द से हम इतना विश्वास नहीं किया, लेकिन हमने सामने से देखा, सुना, हम लोग जान लिया सचमुच जगत का उद्धार करता यही है करके। पहले का जो भी संदेह था, जो भी उनके अंदर एक क्वेश्चन था, वो सब कुछ यीशु मसीह वहां रहकर 2 दिन उपदेश देने लगा। उस उपदेश से
पता चल गया यही है उद्धार करता, करके उनका आंख में रोशनी आ गया। यही है वचन कहता है, परमेश्वर का वचन है आंखों में रोशनी लाता है, परमेश्वर का वचन हमारा हड्डियों को पुष्ट करता है, परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में जीवन को लाता है। यही हम देखते हैं जो हमारे अंदर अविश्वास है, जो परमेश्वर के वचन हम सुनेंगे तुरंत हमारा अविश्वास मिट जाता है, हमको विश्वास आगे बढ़ता है। जो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं उनका पवित्रता हमारा जीवन में आता है, हमारा गंदगी मिट जाता है, हमारा पाप क्षमा होती है, उनका धर्मिकता हमारा जीवन में आता है। जो हमारा अधर्म था, जो हमने पाप किया, पाप के द्वारा जो जो हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को नाश किया, हम लोग परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया, उनके विरोध में हम बात किए, काम किए, सारे बातों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा और तीसरा दिन जी उठ गया। तो इसके वजह से आज हम जिंदा हो गए हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे प्राण को बहाल करता है, हमारे प्राण में जाकर हमारे मरे हुए प्राण को वो जिलाया। हम पहले आत्मा में मरे थे, हमको जिलाया, अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु के सरदार को वो नाश किया, हमको जीवन दिया। परमेश्वर का वचन है जीवनदायक है, वो रोशनी लाता है, वो पुष्ट करता है, वो हमको हरा भरा रखता है, हमारा जीवन में वो फूल को लाता है, फलों को लाता है। तो यही है मसीह जीवन। यहाँ हम देख सकते हैं ऐसे एक गांव था, वो लोगों को यहूदी लोग उनको दूर रखते थे, कोई उनके साथ इतना व्यवहार नहीं करते थे, ये लोग बात भी नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह उन लोगों को ढूंढ के गया। दुनिया से जो इनकार किया हुआ लोग है टूट गए हैं, जीवन में टूटा हुआ एक अवस्था है, उस परिस्थिति को भी उस अवस्था को भी हमारा परमेश्वर सुंदर करने वाला है, हमारा यीशु मसीह है। उस सामरी स्त्री को जीवन को हम देखते हैं पूरा टूट गया था, कुछ भी आशा नहीं था, कैसे जीवन बिताऊं, कैसे भी जिंदगी जी के मर जाऊं करके वो सोची होगी, लेकिन देखिए उसको यीशु मसीह ढूंढ के गया। थोड़ी समय उनसे बात किया तो उस उपदेश से वो जान ली है, उनका प्यासा बुझ गया। वो तुरंत गांव के अंदर गई तो वहां जाके और अनेक लोगों को लेके आई। ऐसे ही वो लोग आके यीशु मसीह को बोला इधर ही रहिए करके, वो लोग दो दिन यीशु मसीह के उपदेश को सुना, उनकी जिंदगी बदल गया, उन लोगों का आंख में चमक आ गया, उन लोग जानने लगे यही है जगत का उद्धार करता करके उन लोग जान लिया। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है, वो काम करता है और हमारा बाहर हमारे द्वारा भी काम करता है करके हम वचन में देखते हैं। एक कुरिन्थियों 13 में हम देखते हैं, सर्वसिद्ध आएगा, अधूरापन मिट जाएगा। सर्वसिद्ध हमारा यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन में आते हैं, हमारा अधूरापन मिट जाएगा, हमारा जीवन एक संपूर्णमय जीवन हो जाता है। योहन्ना 2 में हम देखते हैं, काना में पहले आश्चर्य काम यीशु मसीह किया था, तो उसमें लिखा है जब दाखरस गटने लगा, मतलब गट गया था, कम हो गया था, वहां दाखरस नहीं था, तो उस समय यीशु मसीह वहां आ गया, उनका उपदेश को वो लोग सुनने लगा। यीशु मसीह ने कहा जाके मुहामुख पानी भर दो, उन उपदेश को वो लोग सुनते हुए उन बातों को माना, वो पूरा मटका में मुहामुख पानी भरा और पानी दाखरस में बदल गया। जहां अधूरा है वहां सर्वसिद्ध यीशु मसीह आते हैं, वहां पूरा अधूरापन मिट जाता है। जो सर्वसिद्ध हमारा यीशु मसीह है वहाँ आकर उस शादी में सुंदर रीति से उस शादी को बना लिया, वहाँ सबके मन में खुशियाँ लाया, किसी को भी अपमान नहीं हुआ। अगर वहाँ कुछ होता होगा तो उस शादी वाला को कितना अपमान हो जाता था। यीशु मसीह वहाँ आया तो उनके जिंदगी में जो कमी कटी था, जो अपमान था, सब कुछ सही हो गया। यही है हम यीशु मसीह को बुलाना। जैसे वो औरत के पास यीशु मसीह अपने आप आया, लेकिन वो औरत जाकर लोगों को बताया, वो लोग ने यीशु मसीह को बोला दो दिन यहाँ रही है, उनको उपदेश से उनकी वचनों से बहुत लोग विश्वास किया करके हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर चमक को लाता है, परमेश्वर का वचन बोले लोगों को ज्ञान सिखाता है, वो हमको ज्ञान देता है। परमेश्वर की वचन से हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, बढ़ते रहता है, इसलिए हम वचन को सुनना चाहिए। परमेश्वर का वचन ओस के समान है, वो ऐसे ही आता है हमारे जीवन में, पूरा
हमको हरा भरा करता है, पूरा हमको आशीष देता है। वही है यीशु मसीह का वचन, वो वचन के अनुसार हम चलना, वो वचन में हम बने रहना, वही है जीवन का सोता। यीशु मसीह वो सामरी स्त्री से बात किया, तभी वो कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इसका मतलब मैं यीशु हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ करके। बाइबल में जो भी वचन हम पढ़ते हैं, हमको समझना यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं। तो आज यीशु मसीह कहते हैं, तुमसे जो बात करता हूँ वो मैं हूँ करके। अब मैं हूँ करके कितना जगह पर यीशु मसीह हमको वायदा किया, सच्ची दाखलता मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, और मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, पुनर्थान और जीवन मैं हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए शरण स्थान हूँ करके कितना यीशु मसीह ने हमको वायदा किया। और भी कहते हैं, मैं जीवन की सोता मैं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर आकर अनंत काल तक तुमको मैं पानी देते रहूँगा। इस पानी को पियोगे कभी तुम प्यासा नहीं होगे करके यीशु मसीह यहाँ सामरी स्त्री के पास बात किया। उसके अनंत जीवन के लिए उनको अंदर उस सोता बन के रहने लगा। आज जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारे अंदर भी यीशु मसीह आते हैं, एक सोता बन जाता है, सोता है, और वो जीवन की रोटी है और जीवन की पानी है, और हमारे लिए वो मार्ग सत्य जीवन वही है सच्ची दाखलता, वही है पुनर्थान और जीवन, वही है। जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो मरेंगे तो भी वो जिंदा हो जाएंगे। ये सब इसमें यीशु मसीह ने दिखाया, रोशनी लाता है। परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों के लिए रोशनी है, हमारा आंखों के लिए रोशनी है, हमारा अंदर जो भी अंधकार है इस रोशनी से मिट जाता है। इस वचन हमें रोशनी लाता है, हमको सिखाता है, हमको गवाही बोलना है। हम लोग नई सृष्टि बन गए तो हम लोग दूसरे के पास बताना है, यही है मेसिया, यही है उद्धारकर्ता, यही है हमें छुड़ाने वाला। इनके लहू से, यीशु मसीह के लहू से ही हमको पाप क्षमा होती है। यही है राजकुमार, शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, उसके पास आने वाला को शांति मिलती है करके हम लोग एक गवाही बोलना है। श्री पौलुस कहता है, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर को ही महिमा मिले। आज भी हम बोल सकते हैं, मेरे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिले करके। वो सामरी स्त्री के जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल गया, उन लोग उन बातों पर विश्वास किया। देखिए, पहले सामरी स्त्री को उन लोग इतना बात नहीं सुना होगा, लेकिन उसने जो बात किया, उन लोगों के अंदर एक विश्वास हो के ही उन लोग यीशु मसीह के पास दौड़ के आए हैं। मतलब उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव को लोग देखे होंगे। पहले ऐसे नहीं थी, आज तो ऐसे ही रह रही है। सच में वो मेसिया है क्या, सच में वो मसीह है क्या, वो लोग देखने के लिए तुरंत आ गए। इसका मतलब वो सामरी स्त्री का जीवन बदल गया, शायद उनका बातचीत भी बदल गया होगा। जब जीवन बदलता है, आंख में चमक आता है, हम कुछ भी चीजों को सही रीति से देखने लगते हैं, शारीरिक तौर से नहीं, आत्मा में हम देखते हैं। तो जो आत्मा में चलता है उनको जीवन और शांति मिलती है। यीशु मसीह के द्वारा ये सब हमें दिया गया है, सब कुछ यीशु मसीह के अंदर ही है। वो हमें मिल गया तो हमको सब कुछ मिल गया है। इतना एक अद्भुत वचन है, इसमें से हम देख सकते हैं पूरा एक गाँव पूरा यीशु मसीह को विश्वास किया। उसके लिए इसी बहन, इसी सामरी स्त्री कारण है उन लोग यीशु मसीह के पास आया। उससे बढ़कर यही है परमेश्वर का वचन उनके जीवन में बहुत बदलाव को लाया। उसके वजह से बहुत लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे। यही है हम वचन में देखते हैं, वचन आंखों में रोशनी लाता है, वचन हमारे अंदर अधूरापन को मिटाता है, वचन हमारा आत्मा को बहाल करता है, वचन हमारा आंख में रोशनी और हमारा हड्डी में पुष्टि लाता है, और हमारा मार्ग के लिए वो दीपक बनता है। क्योंकि हमारा शरीर का दिया आंख है, तुम्हारा आंख निर्मल हो तो तुम्हारा शरीर पूरा निर्मल है, तुम्हारा आंख बुरी हो तो तुम्हारा शरीर पूरा अंधकार में ही रहेगा। बुरी नहीं होनी चाहिए, हमारा आंख में निर्मल होना चाहिए, मतलब पवित्रता होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा, वचन से ही मिलेगा। ये वचन हमारा आंख में रोशनी लाता है,
चमक लाता है। हम अपना भाई बहन को सही रीति से देखेंगे और सबसे ज़्यादा हम यीशु मसीह को जानेंगे। हमारा आँख में चमक आएगा, हम सही रीति से यीशु मसीह को जानने लगेंगे। वो कौन है? वो सच्ची दाखलता है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन की पानी है। हर एक वचन यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। इसको हम विश्वास करेंगे, हमारे जीवन में हम अनंत काल तक हमारे अंदर सोता बनकर यीशु मसीह हमारे अंदर से बहते रहेंगे। हमारा जीवन एक ताजामय जीवन, एक फूलोमय जीवन, दूसरे लोगों को बांटने वाला जीवन, दूसरे लोगों को देने वाला जीवन बन जाएगा। आज ही इस बातों से हमसे यीशु मसीह बात किया, हमारा आँख में चमक लाया। वो सामरी स्त्री का आँख में चमक लाया और सामरी का गाँव वाले के आँख में चमक लाया और चेले लोगों का आँख में चमक लाया। आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह हमारे आँखों में भी चमक को लाए हैं। हम विश्वास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपका वचन हमारे आंखों में रोशनी को लाता है। हालेलुया हालेलुया। आप अच्छे हैं, आप भला है पिता, आप हमारे अंदर आ गए हैं। कितना हम धन्य बन गए हैं। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम आपके लिए प्रभु गवाही के रूप में खड़ा रहना है। हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम को महिमा मिलनी है प्रभु। हम भी इस सामरी स्त्री जैसे प्रभु, हम भी गांव गांव में जाके बताने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए हमको प्रभु उठाइए, हमको प्रभु रास्ता खोलिए। आपका नाम को हम बोलने वाले रहे, चुप रहने वाला ना रहे। पिता मदद कीजिए, हमारा भाई बहन को सुनने वाला हर एक को प्रभु मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।